इस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले डिस्प्ले सेटिंग के बारे में। अब डिस्प्ले सेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे फ्री फायर के अंदर, अगर आप लोग अपने डिस्प्ले सेटिंग को सही तरीके से नहीं रखते एंड आप लोग की डिस्प्ले सेटिंग खराब है तो आप लोग का फोन हीट होता है, आप लोग का फोन यहाँ पर लैग करता है, हैंग हो जाता है, रुक जाता है गेम खेलते खेलते एंड इसकी वजह से आप लोग फ्री फायर के अंदर ज्यादा हेडशॉट भी नहीं मार पाते और आपके फोन की जो बैटरी होती है वो बहुत जल्दी जल्दी डाउन होती है। तो कैसे आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग आपका जितने भी जीबी रैम का फोन हो या फिर कोई भी फोन हो, मैं आप लोग को ऐसी सेटिंग बताऊंगा, आप लोग उस सेटिंग को अप्लाई करना जिससे आप लोग का फोन थोड़ा सा भी लैग नहीं होगा, हीट नहीं होगा, हैंग नहीं होगा एंड आप लोग फ्री फायर के अंदर बहुत ज्यादा हेडशॉट मार पाओगे। तो गाइस जितनी भी डिस्प्ले सेटिंग है सारी सेटिंग के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो गाइस आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो प्लीज यार सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। और हाँ गाइस जरूर से आप लोग अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको इंस्टा पे जाके फॉलो कर लीजिए। चलिए यार फाइनली आज की धमाकेदार वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं, आइए देखते मजा आएगा। गाइस ये रही हमारी डिस्प्ले सेटिंग। अभी गाइस मैंने सारी सेटिंग को यहाँ पर हाई एंड ऑन पे कर रखा है। सबसे पहले हम लोग गाइस सबसे नीचे से बात करेंगे, फिर गाइस सारी सेटिंग मैं आप लोग को बताते रहूंगा एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं सबसे नीचे गन शॉट अलर्ट के बारे में। अगर आप लोग का गन शॉट अलर्ट ऑफ है एंड आप लोग फाइट कर रहे हो तो आप लोग के ऊपर गाइस कोई भी अलग से एनिमेशन दिखाई नहीं देता। वही गाइस अगर आप लोग अपने गन शॉट अलर्ट को ऑन पे कर देते हो एंड अगर आप लोग गेम खेलोगे एंड आपके अगर अगल बगल से कोई भी एनिमी फायर कर रहा है तो आपके ऊपर गाइस ये बुलेट का आइकन आएगा जिससे आप लोग को पता चलेगा कि एनिमी फायर किधर से कर रहा है एंड आप लोग के ऊपर फायर हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस सेटिंग को जरूर से ऑन कर देना। गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेटिंग है वह है गाइस यहाँ पर नॉर्च स्क्रीन। अगर आप लोग का नॉर्च स्क्रीन ऑफ रहता है देन गाइस अगर आप लोग गेम यहाँ पर खेलते हो या फिर गेम को डाउनलोड करते हो या फिर ओपन करते हो तो आप लोग का जो स्क्रीन होता है उसकी गाइस साइड साइड में कोई भी यहाँ पर गैप नहीं होता। आप लोग देख सकते हो मेरी स्क्रीन अभी पूरी फुल है एंड गाइस अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डिस्प्ले सेटिंग में आके अपने नॉर्च स्क्रीन को ऑन कर दूंगा एंड गाइस अपने गेम को यहाँ पर रीसेट कर दूंगा, मतलब गेम को फिर से स्टार्ट करूंगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन के बीच में साइड साइड में यहां पर गैप हो चुका है जो कि यार अजीब लग रहा है। तो गाइस मैं तो इसको यहां पर ऑफ करके खेलता हूं, आप लोग अपने हिसाब से अगर आपको ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो, ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हो, वैसे मैं तो इसको ऑफ रखता हूं। गाइस अब यहाँ पर आती है हमारी अगली सेटिंग जिसका नाम है गाइस मिनी मैप। इसके अंदर दो सेटिंग आती है, पहला गाइस ऑटो स्केल एंड दूसरा मिनी मैप। तो गाइस पहले मिनी मैप के बारे में बात करते हैं। इसमें आप लोग को दो ऑप्शन मिलता है, नॉर्थ अप एंड रोटेटिंग। तो गाइस इसमें आप लोग कोई भी छेड़छाड़ मत करना, इसको आप लोग हमेशा रोटेटिंग पे रखा करो, रोटेटिंग पे ही आप लोग का गेम प्ले सही होता है एंड आप लोग इसको रोटेटिंग पे रखना। फिर गाइस यहाँ पर आता है अगला ऑप्शन ऑटो स्केल, तो गाइस आप लोग इसको ऑफ रखना, इसको गाइस भूल के भी ऑन मत करें तो आप लोग का फोन बहुत हीट होगा एंड आप लोग का अच्छे तरीके से गेम प्ले भी नहीं हो पाएगा। ठीक है गाइस यहाँ पर आती है अगली सेटिंग जो कि यार फ्री फायर की डिस्प्ले सेटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसका नाम है गाइस हाई एफपीएस। अब गाइस बहुत लोग क्या करते हैं अपने हाई एफपीएस को यहाँ पर नॉर्मल पर रखते हैं एंड उनको लगता है कि उनका गेम अच्छा चलेगा, लेकिन गाइस आप लोग को ऐसा कभी नहीं करना। आप लोग का फोन 1 GB रैम का हो या फिर आप लोग का फोन 16 GB रैम का या फिर गाइस आप लोग के पास आईफोन क्यों ना हो, आप लोग को गाइस हमेशा हाई एफपीएस को हाई पे रखना है एंड गाइस हाई एफपीएस को हाई पे रखने से क्या होता है कि आप लोग के यहाँ पर डिस्प्ले बहुत स्मूथ चलती, आप लोग का फोन लैग नहीं होता। आप लोग का कोई सा भी डिवाइस हो आप लोग हमेशा हाई एफपीएस को हाई पे रखकर ही गेम करना, अपना गेम खेलना। ठीक है गाइस अब यहाँ पर बात करते हैं फिल्टर के बारे में। अब गाइस फिल्टर में यहाँ पर हम लोग को 4 फिल्टर देखने को मिलते हैं, क्लासिक, ब्राइट, विविड एंड गाइस ओसेन। तो गाइस मैं आप लोग को सारे फिल्टर यहाँ पर यूज करके दिखाता हूँ, इसलिए गाइस मैं यहाँ पर सोशल आइलैंड में जा रहा हूँ एंड वहां पर आप लोग को एक एक फिल्टर दिखाऊंगा कि फिल्टर देखने में कैसा लगता है। ठीक है तो गाइस अभी आप लोग देखो मैं यहाँ पर गाइस सोशल आइलैंड में आ चुका हूँ। अब गाइस यहाँ पर मैं आप लोग को सारे फिल्टर दिखाता हूँ कि कैसे फिल्टर होते हैं। अब गाइस यहाँ पर आप लोग देखो क्लासिक पे जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पर कुछ आप लोग को ऐसा देखने को मिलता है जो कि गाइस यार बहुत डिस्प्ले क्वालिटी को खराब कर दे रहा है। फिर गाइस यहाँ पर जो हमारा अगला फिल्टर है वह है गाइस यहाँ पर ब्राइट। इसमें गाइस चमकीला तो दिख रहा है लेकिन गाइस यहाँ पर आप लोग कलर करेक्शन अच्छा तरीके से नहीं देखने को मिल रहा है एंड गाइस ये फिल्टर भी उतना सही नहीं है। फिर गाइस यहाँ पर जो हमारा अगला फिल्टर आता है वह है गाइस यहाँ पर विविड का एंड इसमें क्या हो रहा है कि गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट कर दे रहा है जिसकी वजह से गाइस एनिमी अच्छे तरीके से आप लोग को दिखेंगे नहीं, तो गाइस आप लोग को इस फिल्टर को भी चूज नहीं करना। फिर गाइस अगला फिल्टर आता है ओसेन एंड गाइस ओसेन पे जो गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो कि ब्राइटनेस भी सही है, कलर करेक्शन भी सही है एंड आप लोगों को शैडो भी दिख रहा है तरीके से आप लोग देख सकते हो पेड़ का एंड गाइस इसमें सब कुछ चमकीला ब्राइट एंड गाइस एनिमी भी आप लोगों को दूर तक दिखेंगे। तो जरूर से आप लोग यहां पर क्या करना कि फिल्टर को आप लोग हमेशा ओसेन पे रख के खेलना, ओसेन फिल्टर गाइस सबसे अच्छा फिल्टर है फ्री फायर का।
गाइस अब यहाँ पर जो हमारी डिस्प्ले सेटिंग में अगली सेटिंग है उसका नाम है गाइस यहाँ पर शैडो। अगर आप लोग अपने शैडो वाली सेटिंग को ऑन करते हो देन गाइस आप लोग को यहाँ पर लॉबी के अंदर देख सकते हो कि शैडो देखने को मिल रहा है मैंने एनिमी एंड गाइस मेरा जो यहाँ पर पेट है उसका, ठीक है। एंड ऐसे जब आप लोग गेम भी खेलोगे तो आप लोग को शैडो देखने को मिलेगा। मैं इमोट भी कर रहा हूँ तो उसका भी शैडो आप लोग को देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग शैडो को ऑन करते हो तो आप लोग को यहाँ पर गाइस शैडो देखने को मिलती है। अगर आप लोग इसको ऑफ कर दो तो आप लोग कोई भी शैडो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेटिंग है वह है गाइस यहाँ पर हाई रेस का। अगर गाइस आप लोग यहाँ पर हाई रेस को हाई पे करते हो देन गाइस आप लोग देखो मेरे कैरेक्टर गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा चमक रहा है एंड उसके गाइस आजू बाजू आप लोग देख सकते हो, मतलब जो गाइस यहाँ पर कैरेक्टर उसके साइड साइड में आप लोग को ब्राइटनेस का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। वहीं गाइस अगर मैं इस हाई रेस को नॉर्मल कर देता हूँ तो आप लोग देखो मेरा कैरेक्टर उतना ज्यादा ब्राइट नहीं कर रहा, उतना ज्यादा चमक नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं तो गाइस इसको ऑन करके खेलता हूँ, आप लोग चाहो तो इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो गाइस अब यहाँ पर बारी आती है डिस्प्ले सेटिंग की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है गाइस यहाँ पर ग्राफिक्स सेटिंग। और गाइस मैं आप लोग बताऊंगा कि आप लोग को अपने फोन के हिसाब से किस ग्राफिक्स पे गेम प्ले करना चाहिए जिस पर आप लोग का बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा एंड आप लोग का फोन लैग भी नहीं करेगा, ठीक है। तो गाइस देखो जिनका फोन 8GB रैम का है या फिर गाइस 12GB और 16GB या फिर गाइस आईफोन वे गाइस यहाँ पर मैक्स ग्राफिक्स पे गेम प्ले करेंगे एंड जिनका फोन 8GB रैम से कम का है वे गाइस यहाँ पर मैक्स ग्राफिक्स पे गेम प्ले नहीं करेंगे। और गाइस मैक्स ग्राफिक्स पे आप लोग की डिस्प्ले क्वालिटी कुछ ऐसी होती है एंड गाइस मैक्स ग्राफिक्स पे आप लोग सारी सेटिंग को यहाँ पर ऑन एंड गाइस हाई पे करके खेल सकते हो। तो गाइस अब यहाँ पर बात करते हैं जिनका फोन 6GB रैम का है। अब गाइस अगर आप लोग का फोन 6GB रैम का है तो गाइस आप लोग यहाँ पर करोगे अल्ट्रा पे गेम प्ले एंड गाइस अल्ट्रा पे आप लोग केवल यहाँ पर हाई रेस एंड गाइस फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मैक्स पे गाइस सारे ऑप्शन मिलते हैं लेकिन गाइस अल्ट्रा पे केवल आप लोग गाइस हाई रेस को हाई कर सकते हो एंड फिल्टर को आप लोग का शैडो का ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। तो बस गाइस जिनका यहाँ पर 6GB रैम का है फोन वे गाइस यहाँ पर अल्ट्रा पे गेम प्ले करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पर बात करते हैं जिनका फोन यहाँ पर गाइस 4GB रैम का है। अगर गाइस आप लोग का 4GB रैम का डिवाइस है तो आप लोग को यहाँ पर स्टैंडर्ड पे गेम प्ले करना है एंड स्टैंडर्ड में आप लोग के सामने से शैडो एंड फिल्टर का भी ऑप्शन चला जाएगा, केवल आप लोग का हाई FPS का ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग को हाई FPS को तो भाई आपका कोई भी फोन हो आप लोग को हाई FPS को हाई पे करके ही खेलना है, ठीक है। तो गाइस जिनका फोन 4GB रैम का है वे यहाँ पर स्टैंडर्ड पर गेम प्ले करेंगे। तो गाइस अब यहाँ पर बात करते हैं जिनका फोन 1GB रैम का है, 2GB रैम का है, 3GB रैम का है। अब गाइस अगर आप लोग का फोन 1GB, 2GB एंड 3GB रैम का डिवाइस है तो आप लोग यहाँ पर करोगे स्मूथ पे गेम प्ले, ठीक है। एंड गाइस स्पून पे आप लोग का जो डिस्प्ले क्वालिटी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो आप लोग का फोन गाइस यहाँ पर लो एंड डिवाइस है तो आप लोग को स्मूथ पे ही गेम प्ले करना पड़ेगा एंड हाई FPS को आप लोग हमेशा गाइस हाई पे ही रख के गेम प्ले करना, ठीक है। तो गाइस मैंने आप लोग को यहाँ पर सारी डिस्प्ले सेटिंग बता दी एंड एक्सप्लेन कर दिया और ये भी बताया कि आप लोग को अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग की कौन सी सेटिंग पे गेम प्ले करना चाहिए, ठीक है। और गाइस आप लोग हाई FPS को कोई भी फोन हो, कितना भी GB रैम का हो, कितना भी लो एंड डिवाइस हो, कोई सा भी डिवाइस हो, आप लोग को हाई FPS को हमेशा हाई पे रख के गेम प्ले करना है, ठीक है। तो गाइस सारी डिस्प्ले सेटिंग बता दी। आई होप गाइस आप लोग को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको इंस्टा पे जाके जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही एंड गाइस मिलेंगे एक और नए इस धमाकेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए गाइस यार बाय बाय एंड गाइस स्टार दे रहा दे।